Hi guys, welcome to my channel, which is Safar with Rukmini Sharma. I am back with another video, guys, which is another travel vlog. आज हम कहाँ जाने वाले हैं? जो destination है वो बहुत ही ज़्यादा नई है हमारे लिए. मैं पहली बार वहाँ जा रही हूँ, but I'm pretty much sure, guys, आप में से बहुत सारे लोग वहाँ जा चुके होंगे already. तो yes, पंजाब की एक और सिटी में हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, जिसका नाम है चंडीगढ़. ऑल राइट गाइस, तो हम फाइनली जा रहे हैं चंडीगढ़, जो कि जिसका डिस्टेंस यहाँ से कुछ बता रहा है 100 किलोमीटर और टाइमिंग हमें कुछ 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे. तो चलते हैं और आपको मिलते हैं हम चंडीगढ़ में. देखते हैं चंडीगढ़ में हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, कौन सी जगह देखने वाले हैं. डेफिनेटली हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस मेरी वीडियो में. एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर कमिंग वीडियोज गाइज. ये एक्रेलिक नेल्स आप देख रहे हो, मैंने पहली बार ये भी लगाए हैं, अप्लाई किए हैं. तो कैसे अप्लाई कर सकते हो फॉल्स नेल्स, उसका ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है यूराग्लैम पे. तो येस, डू चेक दैट आउट. मैं लिंक भी डाल दूंगी इस व्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट. एंड ऑल्सो चलते हैं, अभी कुछ बज रहे हैं 5, तो बहुत जल्दी हम चंडीगढ़ में होंगे. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. सो गाइज, हम फाइनली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्रॉस कर चुके हैं यहाँ से, और वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच चंडीगढ़. मोस्टली नेक्स्ट 20 to 30 minutes मैक्स. यही है मेन गेट, गेट नंबर 1. अच्छा, ये एंट्रेंस है चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का. तो आपने देखा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस था गेट नंबर 1 वहाँ पे. एंड यस, कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे. एंड दिस इज जो आपको सामने दिख रहा है, दिस इज वन ऑफ द रिसोर्ट ग्रैंड कैसल. गाइस, अभी 6 बज रहे हैं और हम मोहाली पहुंच चुके हैं. तो गाइस, सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है कि चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ क्यों पड़ा और इसका अर्थ क्या है. तो इसके नाम का अर्थ है चंडी का किला, यह हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप चंडिका या चंडी के एक मंदिर के कारण पड़ा है. यह मंदिर आज भी शहर के कुछ दूर हरियाणा के पंचकुला में स्थित है. पंचकुला भी हम जाएंगे गाइस और आपको जरूर दिखाएंगे. और इसे साथ ही साथ सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है. चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र में मोहाली, पंचकुला और जीरकपुर आते हैं. तो गाइज, इसी के साथ हम आगे आपको बताएंगे कि ये सेक्टर्स में क्यों डिवाइडेड है और यहाँ पर आप कौन सी चीज़ें विजिट करते हो. तो ये सारी बातें करते गाइज करते करते हम पहुँच चुके हैं फिलहाल के लिए अपने फर्स्ट टूरिस्ट पॉइंट पे, जो कि सुखना लेक था. तो चलिए उसे देखते हैं. गाइस, फाइनली हम चंडीगढ़ आ गए हैं और अभी कुछ 7:30 बज रहे हैं और सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे विजिट करने वाले हैं वो है सुखना लेक. तो आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ का सुखना लेक, जो कि बहुत फेमस है. यहाँ पे सब एज अ टूरिस्ट भी आते हैं देखने. तो यहाँ पे किड्स एरिया, प्ले एरिया, फूड एरिया. अब हम चलते हैं लेक देखते हैं. सो गाइस, चंडीगढ़ में शिवालिक पहाड़ियों के तल पर स्थित सुखना झील चंडीगढ़ शहर की बेहद खूबसूरत झील है, जो अपने शांत माहौल और सुंदर वादियों के लिए जानी जाती है. सुखना लेक चंडीगढ़ पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ चंडीगढ़ की यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. चंडीगढ़ की गिनती देश के सबसे खूबसूरत शहरों में होती है. ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह शहर काफी महत्वपूर्ण है. वैसे तो यहाँ घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं, लेकिन चंडीगढ़ की शान है सुखना लेक. तो गाइज, सुखना लेक का ये रहा इवनिंग व्यू जो हमने आपको दिखाया, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम आपके लिए सुखना लेक का मॉर्निंग व्यू भी लेकर आएंगे, ताकि आप पूरा जो यहाँ पर किस तरह का माहौल होता है, डे इवनिंग कैसा व्यू होता है, आपको उसका पूरा एक व्यू मिल पाए. और सो
सो गाइज आप कभी भी अपना जर्नी प्लान करते हो कमिंग टू चंडीगढ़ एंड देन विजिटिंग सुखना लेक, तो आपके लिए वो कन्वीनियंट हो सके मॉर्निंग और इवनिंग, एंड इन फैक्ट द डे व्यू कैसा यहाँ पे होता है वी विल ट्राई टू शो यू मैक्सिमम। एंड येस, उसी के साथ साथ गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन को आप ऑल कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके फॉर माई अपकमिंग वीडियोज। एंड येस, चंडीगढ़ दर्शन सीरीज आने वाला है जिसमें हम चंडीगढ़ के अलग अलग जगहों को देखेंगे, तो येस गाइज स्टे ट्यून फॉर दैट। कैसा लग रहा है आकर, बताओ अपना कैसा लगा यहाँ पे नाइट व्यू का? नाइट व्यू तो अच्छा था, मतलब ठंड का मौसम है और ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, तो अब हम कल आएंगे मॉर्निंग में और फिर मॉर्निंग का व्यू देखते हैं गाइस। और यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क और बोटिंग भी है, तो मॉर्निंग में हम उसका व्यू देखते हैं कैसा होगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से निकलते हैं। गुड मॉर्निंग, जैसे कि यहाँ पे अभी बज रहा है 11:15 और ये व्यू है, हम आ गए हैं फाइनली सुखना लेक में और बहुत सारे गहन अध्ययन के बाद हमने सोचा कि हम क्या खाएंगे, तो यहाँ पे ये पूरा चाट का काउंटर है
और भी सारे ये फूड कोर्ट है बेसिकली यहाँ का। तो सारे ऑप्शंस के बाद और बहुत ज़्यादा गहन डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया हम क्या खाएंगे। तो लेट्स सी, बास्केट चाट नहीं भला। तो बाय द टाइम हम आए यहाँ पे विभा ने बहुत सही टेबल पकड़ा है, बहुत बहुत सही एकदम। ठंड में धूप में ही हर कोई धूप, हाँ ठंड में लोग धूप ढूंढते हैं। बहुत वो लग रहा है ना, मैं भी खाते लगे सच में कह रहा हूँ। अच्छा ये चार चार मैंने टेस्ट किया, वाकई बहुत टेस्टी है। कौन सा कैसा लग रहा है? वैसे है ही amazing। तो ये है सुपना लेक जो कि मॉर्निंग में कुछ इस तरीके का यहाँ पे नजारा होता है। ये क्या है? चंडीगढ़ का सिंबल है। चंडीगढ़ का सिंबल है, आपका सिंबल थोड़ा वैसे हो गया। चंडीगढ़ द सिटी ऑफ पीस। तो यस हम लोग इस साइन की बात कर रहे थे। ये तो गाइज अगर बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इस लेक को 1958 जो कि 1958 में सुखना चोई को बांधकर बनाया गया था। पहाड़ों की लंबी श्रृंखला के बीच सुखना लेक का व्यू दिल को छू जाता है। गर्मियों में यहाँ प्रवासी पक्षियों का आना जाना शुरू हो जाता है जिससे दृश्य और भी खूबसूरत हो जाता है। अगर कभी आप सुखना लेक घूमने का प्लान बनाए तो वहाँ कई ऐसी चीजें हैं जो आप मिस नहीं करना चाहोगे। तो गाइज यहाँ आप बोटिंग से लेकर शिकारा राइड ले सकते हैं। शिकारा अभी तक सिर्फ कश्मीर की डल झील तक ही सीमित थे, लेकिन अब इनकी एंट्री सुखना लेक में भी हो गई है। सुखना लेक में आपको काफी ऐसे टूरिस्ट भी दिख जाएंगे जो जगह जगह अपनी पोर्ट्रेट बनवा रहे होंगे, तो फिर क्यों ना आप भी एक बनवाए। तो गाइज अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इवनिंग में भी वहाँ आर्टिस्ट मौजूद थे। तो ऐसा नहीं है कि आप डे में आएंगे तभी आपको पोर्ट्रेट आर्टिस्ट मिलेंगे, आप इवनिंग में भी बनवा सकते हैं। सुखना झील के पास पार्किंग एरिया में आप ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं जैसा कि आपने सुबह सुबह इस वीडियो में देखा। और इसमें एक और जो पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ गाइज, सुसाइट टावर। सुसाइट टावर यहाँ सुखना लेक में फेमस पॉइंट है। सुखना लेक पर एक ही टावर स्थित है जिसे सुसाइड टावर कहा जाता है। वैसे तो अब इस टावर का इस्तेमाल सुखना लेक में पानी के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन कई साल पहले लोग इस टावर पर चढ़कर सुखना झील में कूद जाते थे और आत्महत्या कर लेते थे। इसी वजह से इस टावर को सुसाइड टावर कहा जाता है। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे जो है वो है पीपल का पेड़। अब आप सोच रहे होंगे कि पीपल का पेड़ तो हर जगह होता है, तो फिर सुखना लेक के पास स्थित पीपल के इस पेड़ में क्या खास है? तो आपको बता दें कि यह चंडीगढ़ का सबसे पुराना पेड़ है। माना जाता है कि यह पेड़ वहां पर तब से है जब चंडीगढ़ भी नहीं था। तो है ना इंटरेस्टिंग।
सो गाइज, अगर आप डेली की बिजी और थकान भरी लाइफ से दूर कुछ समय अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स करते हुए स्पेंड करना चाहते हो तो आप पूरे एक दिन के लिए सुखना लेक जरूर आना। जब भी आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ यहाँ आएंगे तो झील के सुंदर वातावरण में टाइम स्पेंड करने के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कि हमने अभी देखा, और वहाँ आप और एक्सप्लोर कर सकते हो और डेफिनेटली कर सकते हो। तो गाइज, सुखना लेक चंडीगढ़ के शांतिप्रिय वातावरण, अद्भुत नज़ारे और एक्टिविटीज़ आपको ज़रूर तरोताज़ा कर देंगे। That's it for now, guys. ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और हमने इस वीडियो में बहुत कुछ देखा, हमने चंडीगढ़ को देखा, चंडीगढ़ के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें जानी, आपने यहाँ का जो फेवरेट टूरिस्ट पॉइंट है सुखना लेक, बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट पॉइंट है, आपने उसके बारे में भी आई होप बहुत कुछ देखा और जाना होगा। और डेफिनेटली आपने सोचा भी होगा कि कभी हम चंडीगढ़ आएँ तो सुखना लेक ज़रूर विज़िट करें। हमने आपको डे और इवनिंग व्यू भी दिखाने की कोशिश करी, और जितनी पॉसिबल चीज़ें यहाँ पे हो सकती है आप कर सकते हो वो भी हमने बताया, और आप यहाँ पे और चीज़ें क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं वो ऑप्शंस भी हमने बताया। तो यस गाइज, आई थिंक यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल गाइज फॉर माय ऑल नोटिफिकेशंस, एंड आई विल कीप कमिंग बैक विद सच मोर वीडियोस। गाइज, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ चंडीगढ़ दर्शन सीरीज। अभी हमने एक ही पॉइंट देखा है, टूरिस्ट पॉइंट, अभी तो बहुत सारी चीज़ें देखना बाकी है चंडीगढ़ में गाइस। तो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड यस, डू टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, एंड यस गाइस, आई विल सी यू सुपर सून। अंटिल देन टेक केयर गाइस।